हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि अगर आपका समय खराब हो तो सारी चीज़ें भी आपके खिलाफ हो जाती हैं। दोस्तों, एक तो वैसे भी नवोदय विद्यालय समिति ने इतने टफ रूल बना दिए कि बहुत सारे बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे। सेम डिस्ट्रिक्ट रूल, डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया घटा दिया गया और ऐसे अभ्यर्थी जिनका सपना था वो कहीं ना कहीं सेम डिस्ट्रिक्ट रूल की वजह से या फिर जो है अपने डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया की वजह से फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं। ऊपर से नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पिछले 3 दिन से काम नहीं कर रही है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म अटके पड़े हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल के आया है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ईमेल किए हैं लेकिन किसी भी ईमेल का एक छोटा सा भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। कल संडे था, इस वजह से वहाँ पर ऑफिस क्लोज रहता है तो मेरी बात हो नहीं पाई। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा बात करने की नवोदय विद्यालय समिति के हेड ऑफिस में कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट काम नहीं कर रही है। जो भी अपडेट निकल के आएगा, जैसा अपडेट निकल के आएगा, आपको डेली डोज बॉक्स पर सटीक सूचना के साथ बिल्कुल मिलेगा। फिलहाल में जो 2-3 क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। बच्चे जिनके आधार कार्ड में थोड़ी बहुत मिस्टेक है उनको एक छोटा सा सजेशन मैं देना चाहूँगा कि आधार कार्ड की जगह अपने फादर का कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें एड्रेस प्रूफ होता हो वो लगा सकते हैं और आसानी से आवेदन कर सकते हैं जैसे ही वेबसाइट शुरू हो जाएगी। वेबसाइट शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रेगुलर वर्क हो सकता है कि चल रहा हो, कोई सर्वर में दिक्कत हो सकती है क्योंकि पूरे देश के फॉर्म नवोदय विद्यालय समिति की एक इकलौती वेबसाइट पर पढ़ते हैं, वो है navoday.gov.in पर। तो ऐसे में वर्कलोड होना लाजमी है, पूरे देश से फॉर्म आते हैं और इसलिए शायद ये वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। वेबसाइट क्रैश होने के पीछे क्या कारण है ये आज बातचीत के दौरान पता लग जाएगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर मैं टच में हूँ, आज पूरी बातचीत करके आपको वीडियो के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा जैसी जो भी सूचना होगी। तब तक के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ट्राई करते रहे, सर्वर हो सकता है किसी भी टाइम सही। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको मोटिवेट करने के लिए आता हूँ तो मोटिवेशन आपका होना चाहिए, मोटिवेट ज़रूर आप रहें, बिना मोटिवेशन के कोई चीज़ नहीं होती। अपने आप को पॉजिटिव रखें, ऑल इज़ वेल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।